स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस श्रृंखला में। और ये नई श्रृंखला जो है हम लोग विज्ञान से शुरू कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान की ये श्रृंखला आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं उमेश श्रीवास्तव। तो देखिए, हम लोगों का एक विज़न है कि आप लोगों तक सबसे उच्च गुणवत्ता का जो मटेरियल है प्लस जो ज्ञान है और परीक्षा को जो क्रैक करने का जो तरीका हो सकता है सारे पॉसिबल, अभी हाल ही में UPPCS का जिस तरीके का पेपर बना था, उन सब बातों को ध्यान में रखकर हम सब वही चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे आपकी परीक्षा प्रीलिम्स की सरल हो सके। तो सामान्य विज्ञान की जो श्रृंखला है ये GS दृष्टि से लिया गया हिस्सा है, और बाकी जो लिखा है वो तो ठीक है, बाकी मैं आपको अपने स्तर से जो बातें हैं वो समझाता जा रहा हूँ। तो देखिए, सामान्य परिचय में बायोलॉजी शब्द का अर्थ बायोस और लोगोस से मिलकर के बनता है, ग्रीक वर्ड हैं दोनों बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, तो अब जो सामने दिया है वो ये कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था ये प्रयोग। ये प्रश्न पूछ भी लेते हैं। और बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु या एरिस्टोटल कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दी गई हैं। तो जैसे पादपों का जहाँ अध्ययन किया था उसको बॉटनी कहते हैं, जंतुओं का जहाँ अध्ययन किया था उसको जूलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। उभयचर, सरीसृप और जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये पूछ लेते हैं इस तरीके की चीज़ें किससे संबंधित किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं और बढ़ा करके दिखाई दे रहा हूँ। फिर इसके बाद पोषण विधियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको ट्रोफोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ट्रॉफ का मतलब होता है एक्चुअली ट्रॉफ जो वर्ड है इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे ध्यान रखना है आपको, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। फिर त्वचा का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। फिर इसके बाद अस्थियों का जहाँ अध्ययन किया जाता है वहाँ ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, क्योंकि ऑस्ट शब्द जो है वो अस्थियों को, बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर मनुष्य की वृद्धावस्था का जहाँ अध्ययन किया था उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। ज़रा शब्द से याद रख लीजिएगा, ज़रा माने बुढ़ापा भी होता है और मनुष्य की वृद्धावस्था, तो इस तरह से एक लिंक बना करके आप याद कर लीजिएगा इसको। और इसके बाद मृदा का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। तो ये हुए आपकी सारी लॉजीज जो इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ दी हुई हैं इन्होंने, याद कर लीजिएगा सारी। सबसे पहले है एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। फिर एवी कल्चर है, एवी जो है AVE, इसको पक्षियों को ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो पक्षी पालन से संबंधित हो गया, कुछ कम बातें जो है मैं बताता जा रहा हूँ। पिसीकल्चर, तो पिसी एक्चुअली आपने देखा होगा मीन राशि होती है, उसको इंग्लिश में पाइसस बोलते हैं। ये जो पिसी जो वर्ड है आपका, ये एक्चुअली मछली यानी फिश को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, मैं लिंक्स आपको बताता जा रहा हूँ तो याद रहेंगे। तो कल्चर है तो मतलब पालने से हुआ उसका मतलब, तो पिसी कल्चर हो गया। इसके बाद सेरी कल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। इसके बाद सिल्वी कल्चर है, वन संवर्धन से संबंधित है। फिर ओलेरी कल्चर है, सब्जियों की कृषि से संबंधित है। फिर हॉर्टिकल्चर है, बागवानी से संबंधित। फिर पोमोलॉजी है, फलों की खेती। लॉजी का मतलब अध्ययन हो जाता है। विटीकल्चर है, विटी अंगूर की खेती से। फिर इसके बाद एग्रोनॉमी है, फसलों की खेती से। तो इस तरह से ये आपके हुए, इनको याद करते जाइएगा, बार बार रिवीजन करना है आपको। तो फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ
इवोल्यूशन थ्योरी समझाई है। तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन थ्योरी यानी हिंदी में बोलते हैं विकासवाद का सिद्धांत। तो विकासवाद के सिद्धांत को देने वाले दो लोग थे, एक लैमार्क और दूसरे डार्विन। ठीक है, उस समय विकासवाद को लोग समझ तो बहुत सारे लोग रहे थे। दरअसल विकासवाद का मतलब समझ लीजिए आप। सबसे पहले विकासवाद ये कहता है कि जीवन जो है वो छोटी सी कोशिका से लेकर के एक जटिल जीवों तक, जैसे कि मनुष्य, जटिल जीवों तक एक विकास प्रक्रिया से होकर के गुजरा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जैसा आज हमको दिखाई देता है वैसा ही था, जैसा कि हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है। तो उस समय अपने आप में ये बड़ा क्रांतिकारी थॉट था और लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, तो इसको प्रूव करना पड़ा था। तो सबसे पहले जो इसको देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लैमार्क। इनका पूरा नाम था, ये फ्रांस के थे, जीन बेपेस्टे डी लैमार्क। और इनकी पुस्तक जो थी उन्होंने लिखी थी वो थी फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ये फिलोसफी जूलॉजिक लिखा है, गलत लिखा हुआ है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक किताब का नाम था, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका मतलब आप समझ लीजिए, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, किसी पीढ़ी से किसी व्यक्ति के अंदर वो लक्षण आ जाते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था जिराफ का या सांप के पैर का, तो ये धीरे धीरे कोई चीज़ ख़त्म हो गई किसी पीढ़ी में आकर के, उसके बाद फिर अगली पीढ़ियों में ये लक्षण नहीं जाएगा या आ जाएगा, या तो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो इनको बोलते थे उपार्जित लक्षण। तो बहुत सारे लोगों ने इसका कटाक्ष किया था और ये कहा था कि भाई पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता हमेशा, तो जबकि पहलवान एक लक्षण है जो आ जाता है। तो ये चीज़ बताई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका जवाब होगा लैमार्क। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ। ठीक है, जिराफ की गर्दन लंबी होना, सांप के पैर गायब हो जाना, ये सब आप देख लीजिएगा। जो मैंने काम की बात बताई है उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद डार्विनवाद। डार्विन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक तो क्या थे, एक्चुअली इनके फादर तो ये चाहते थे कि ये पादरी बन जाएं, लेकिन इनको घूमने का बहुत शौक़ था। तो जब ये शिप पर घूमने गए तो जगह जगह से अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को देखते थे और उनका अध्ययन करते थे। और उसके बाद इनका कंसेप्ट इस संबंध में क्लियर होना शुरू किया, तो इन्होंने फिर अपना सिद्धांत दे डाला डार्विनवाद के नाम से, प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। देखिए इसी नाम से पूछा जाएगा, ध्यान रखना, वो उससे नहीं पूछा जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, लिख लीजिएगा सुन करके। ठीक है, इसी को कहते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है इन्होंने नाम, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है ना, अन्य नाम जो दिया था प्राकृतिक वर्णवाद या नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, वैसे इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो अलग अलग हैं, उनमें से एक सिद्धांत यहाँ पर दिया हुआ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब वही प्रजाति सर्वाइव करेगी, जीवित रहेगी जो सबसे फिट होगी। किसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति से जो समायोजित कर जाएगी अपने आप को वही बच जाएंगे। जैसे डायनासोर बहुत बड़े थे लेकिन ख़त्म हो गए, सर्वाइव नहीं कर पाए, फिट नहीं हुए। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो दिया बाद में वो था उत्परिवर्तनवाद, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन थ्योरी। पूछ सकते हैं आपसे कि म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था, तो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, वो थे ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है ना, और इन्होंने अपने प्रैक्टिकल के लिए इवनिंग प्रिमरोज का प्रयोग किया था, एक पौधा था
और उन्होंने बताया था ये उत्परिवर्तनवाद क्या होता है, सुन लीजिए क्योंकि पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान से लिख लीजिए। जीन में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, जीन में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो मक्खी है उसको लिया था अपने प्रैक्टिकल में, मक्खी में भी दिखाया था, ठीक है, और प्रिमरोज में तो दिखा ही था, मक्खी का भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये घास ऐसी हुआ करती थी किसी ज़माने में, तो जिराफ भी ऐसा होता था, फिर वो पेड़ ऊंचे होते गए, पेड़ वहाँ पहुँचा जहाँ ऊंचे पेड़ थे, तो उसने थोड़ा सा अपने गर्दन को ऊंचा करा, फिर ऐसे करते करते फिर जिराफ ऐसा हो गया। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जीव जंतुओं का विकास क्रम है कि किस समय में कौन कौन से जीव जंतु बने, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है। देखो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, और इतना आप कंफ्यूज भी होगे बहुत सारा पढ़ने में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाती हैं। तो अभी इसको आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कर दूँगा बाद में, जो खास खास हैं, बाकी ज़्यादा ये ना तो आपको याद रहेगा और ना ही इतना पूछा जाता है, ठीक है ना। मैटर बनाने वालों को तो मैटर देने से मतलब रहता है, ठीक है ना। कुछ खास चीज़ें हैं जैसे आपको बता देता हूँ कि मानव का उद्विकास कब हुआ, तो क्वार्टनरी में, ठीक है ना। स्तनपायियों में विविधता जो है वो नियोसिन युग में आई, ठीक है ना। इस वजह से जो डायनासोर की उत्पत्ति है वो जुरासिक एज में हुई, ये पहली चिड़िया का विकास, ठीक है। इसी तरह से प्राइमेट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो बता रहा हूँ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें दिया भी गलत तरीके से है, देखो यहाँ डायनासोर को विलुप्त कर रहे हैं या डायनासोर की उन्नति कर रहे हैं, ठीक है ना, उल्टा सीधा जी दिया हुआ है, ठीक से नहीं दिया हुआ है इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसको आप छोड़ भी दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये भी ज़रूरी होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब देखो यहाँ से वर्गीकी में परिभाषा सबसे पहले दिए, वर्गीकी क्या है, देखिए सबसे पहले वर्गीकी मतलब हमको जीव जंतुओं का जो अध्ययन करना था, तो धीरे धीरे पहले तो हमने क्या किया कि जीव जंतुओं को दो ही भागों में बांटा था, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। करते क्यों हैं, ताकि अध्ययन में सुविधा हो, ठीक है ना। लेकिन बाद में जो है हमने पांच जगत बनाए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको, और यही सबसे ज़्यादा मान्य है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो देखिए वर्गीकी की परिभाषा, जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। देखिए ध्यान रखिएगा, टैक्सोनॉमी याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी पूछ सकते हैं, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है। जो मैं कह रहा हूँ छोड़ना है उसको आप छोड़ दीजिएगा, और जो मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना है उस पर ध्यान रखिएगा, और अपनी बुद्धि पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हद से ज़्यादा पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। बहुत सी चीज़ें जिस पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो और आपका रिजल्ट या जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ज़्यादा ना निकल के आए। आप एक पेज पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगाओगे, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होगी, क्वेश्चन वहाँ से आएगा नहीं। और कुछ ऐसे पेज होंगे जिनको आप जल्दी पढ़ जाओगे और वहाँ से दो तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये प्रोडक्टिविटी होती है। तो देखिए इसके जनक कौन हैं, जनक हैं कैरोलस लीनियस। तो इसके बाद ये तो वर्गीकी के जनक हैं, लेकिन पांच जगत प्रणाली के जनक जो थे वो विटेकर थे। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। हाँ, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो मैंने अभी दो तीन पॉइंट्स बताए हैं आपको, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्ज़ाम। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रोटिस्टा दिया हुआ है, तो ये यूकेरेटिक जीव हैं।
ठीक है ना। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये कुछ ऐसे जीव हुआ करते थे जिनमें, आप उदाहरण रख लीजिए मुख्य रूप से यार, इसमें प्रोटिस्टा के अंतर्गत शैवाल और प्रोटोजोआ आता है। और प्रोटोजोआ के जो उदाहरण हैं उसमें दो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आप अमीबा पढ़ते हो और पैरामीशियम पढ़ते हो, ठीक है ना, अमीबा और पैरामीशियम, ये तो आपने पढ़ा होगा दोनों। तो ये दोनों इसमें आते हैं। इसके बाद फिर ये मोनेरा जगत है, तो मोनेरा जगत में जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ये सब एक कोशिकीय ही हैं। और उदाहरण जो है वो देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना, यहाँ तो याद करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद कवक यानी फंजाई, तो इसमें भी ये यूकैरियोटिक हैं, अधिकांशतः ये बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादातर उदाहरणों पर ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। उदाहरणों में आपके यीस्ट, मशरूम, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति, काइटिन से निर्मित जो कोशिका भित्ति होती है वो, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद भाई आ जाते हैं पादप पर। पादप सबसे पहले तो स्वपोषी होते हैं, ठीक है, और इनको बांटने वाला जो सिस्टम है वो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। इस पर हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताते जाएंगे एक बारी बारी से कि ये क्या होता है। इसके बाद जंतु आ जाते हैं, सभी उपभोक्ता जीव जितने भी हैं, चाहे वो अकशेरुकी हों और कशेरुकी हों। कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, अकशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ होती है आपके मोनेरा जगत से। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं ये, और ये प्रजनन में समर्थ होते हैं, ठीक है। इतना हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके दो इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं माइक्रोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, जिसका अन्य नाम नील हरित शैवाल भी होता है। फिर इसके बाद जीवाणु जो इसी के अंतर्गत आते हैं, सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव आते हैं, इनमें परपोषी भी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं। यहाँ से आपसे कुछ ज़्यादा ऐसा विशेष नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाइए यहाँ से कवक, तो कवक में खास खास जो है पर्ण हरिम रहित होते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, हरे नहीं होते हैं, ठीक है। परपोषी होते हैं, काइटिन से निर्मित कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक प्लस शैवाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइकेन कहलाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आईएएस में भी पूछा जा चुका है। अब उदाहरण के रूप में खमीर है, कुकुरमुत्ता है, राइपोज है, ठीक है, ये बने भी हुए हैं सो देख लो आप। उसके बाद आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत देख लीजिए भाई। तो प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा, तो इसमें दो पार्ट्स हैं, डायटम्स और डिस्मिडस। इसमें सुनहरे शैवाल और सबसे बड़े प्रकार संश्लेषी ये हैं। इसके बाद इन सबको ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए, ये युग्निलॉइड्स देख लीजिए, युगलीना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जंतु और पादप के बीच की संयोजी कड़ी है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिएगा, यही परीक्षा में आता है, इससे ज़्यादा चक्कर में ना पड़िएगा, ना पूरा रटने के चक्कर में पड़िएगा। आप मैटर देने वालों के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी मैटर दे सकते हैं आपको, जितना बता रहे हैं, जितना आपको याद रहे बस वही, ठीक है। तो ये यूग्लेनॉइड्स हैं, बस इतना ज़रूर समझ लीजिए कि प्रोटिस्टा जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक वो जो पादप के समान होते हैं, ये सब सिर्फ समझने की चीज़ है, कॉन्सेप्ट की। एक वो जो जंतु के समान होते हैं, फिर एक जंतु और पादप के बीच की कड़ी है, सो वो यूग्लेनॉइड्स हैं। और युगलीना जो उदाहरण है वो जंतु और पादप की संयोजी कड़ी होता है। अभी हम संयोजी कड़ी मतलब जिसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं, अभी हम और संयोजी कड़ियों को टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। अब जंतु के जैसे लगने वाले कौन है भाई, ये स्लाइम मोल्ड है, ये कवक जैसा लगता है। प्रोटोजोआज जो हैं, जिसमें एक कोशिकीय पैरामीशम है, अमीबा है मैंने बताया था, ट्रिपेनोसोमा है, ये सब। अब देखिए पादप जगत, थैलोफाइटा,
इनकी शरीर की जो संरचना है वो सरल होती है। शैवाल, बैक्टीरिया और कवक, ठीक है, ये सर्वव्यापी हैं। उदाहरण के लिए स्पायर वगैरह इसके अंतर्गत आता है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ जहाँ बताता रहा हूँ। स्पायर वगैरह चलने वाला पादप होता है, ध्यान रखिएगा। ये पूछ लेते हैं कि प्रचलन करने वाले या चलने वाले पादप का नाम बताइए, तो स्पायर वगैरह आता है। जो बताता जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाइए। फिर इसके बाद ब्रायोफाइटा उभयचर होते हैं, मतलब ये जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थिति होती है इनमें, इससे आपका कोई फास लेना देना नहीं है, ना पूछा जाएगा। नाम ध्यान कर लीजिए, मॉस, काई जिसको आप बोलते हैं, और मरकेशिया, ये इसके उदाहरण हैं। फिर इसके बाद आया आपका टेरिडोफाइटा, इसमें संवहनीय ऊतक उपस्थित होते हैं। संवहनीय ऊतक क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों का संचार हो सके, ठीक है ना, ये संवहनीय ऊतक कहलाते हैं। संवहन का मतलब समझते हैं, एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह पहुँचे। लेकिन यहाँ ज़्यादा कोई बायोलॉजी का पेपर नहीं होने वाला है। उदाहरण के रूप में आप फर्न, मर्सिलिया और हॉर्सटेल उदाहरण याद रख लीजिए बस। जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो नंगा जो बीज हो, यानी जो ढका हुआ ना हो, उसके आसपास कोई कवच ना हो, ठीक है ना, यानी कि अनावर्त हो, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी, ठीक है ना। ये बहुवर्षीय और सदाबहार होते हैं, उदाहरण के रूप में पाइनस और साइकस। अब देखिए एंजियोस्पर्म, तो एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, यानी आवर्त बीजी, ऐसे पौधे जिनके बीज जो है ढके हुए हों किसी कवच से, जैसे पुष्पी पादप, ठीक है ना, ये फलदार होते हैं। पुष्प आता है तो फल आता ही आता है पक्के में, ठीक है, आम, अमरूद, पपीता, तो ये उदाहरण देख लीजिएगा, एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। आप देखिए पादपों के भेद कौन कौन से हैं, देखो क्रिप्टोगैम के अंदर थैलिडोफाइटा, बारोफाइटो, टेरिडोफाइटा आता है। यह प्रत्यक्ष जननांग होते हैं इसमें और बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं। और फेनेरोगैम्स जो होते हैं इनमें पूर्ण विकसित जननांग होते हैं और बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसी तरीके से इसमें आते हैं। तो ये तीन इस तरफ चले गए और ये दो इस तरफ आ गए, बाद के मतलब ज़्यादा विकसित वाले, बीज वाले। अब देखिए प्राणी जगत का वर्गीकरण, तो कोशिका स्तरीय संरचना, ठीक है, इसमें है संघ पॉरीफेरा, और उच्च स्तरीय संरचना तो इधर दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब तरीके से इन्होंने इसको बनाया है। अजीब गरीब ढंग से बना दिया है थोड़ा सा। खैर ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे इन्होंने, रुकिए ज़रा, हाँ यहाँ से ले लेते हैं, उसको छोड़ के इधर ले लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले जो सरल है वो संघ पॉरीफेरा है। तो संघ पॉरीफेरा का, पॉरीफेरा का मतलब होता है छेद, तो यहाँ से सीधा पूछा जाता है। और इसका उदाहरण है स्पंज, ठीक है ना, ये बस ये ध्यान रखना है। तो पॉरीफेरा संघ का जीव स्पंज किस संघ का सदस्य है, देखिए ना, संघ, फाइलम, ये ध्यान रखना है। तो किस संघ का सदस्य है तो आपको ये याद रखना है। और पॉरीफेरा कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें छेद पाए जाते हैं, तो पॉरीफेरा, पोर्स का मतलब ही होता है छेद। इसके बाद आप आ जाइए सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा ये एक जलीय जंतु है, भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचना, जिसको टेंटेकल्स बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के बाहर ये ऐसे निकले हुए होते हैं, ये इसी से चलता भी है ऐसे गुलांट खा खा करके।
और अपने मुंह में फिर जो भी चीज़ पकड़ता है उसको डाल लेता है। ठीक है ना, पूछ लेते हैं इसमें, ये वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। हाइड्रा इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है वैसे। ठीक है, दिया नहीं है बुक में, बाकी इसमें जो दिए हैं, हाँ दिया है हाइड्रा। ठीक है, फिर दिया मूंगा। जेली फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और सी एनिमोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेली फिश इसलिए पूछते हैं कि फिश विच इज़ नॉट फिश, ये पूछते हैं मछली कौन सी नहीं है। तो काफ़ी सारी मछलियों के उदाहरण देते हैं और उसमें जेली फिश भी रहती है। जेली फिश सीलेंट्रेटा संघ की है ये जेली फिश, इसलिए फिश नहीं होती है। ठीक है, उस हिसाब से जिस हिसाब से फिश होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बताया, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मैं बताता जाऊँ बस वहाँ आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद आपका आया टीनोफोरा, ये सीलेंट्रेटा से इसका गहन संबंध है। ये कंघी जैसे लगते हैं, चलांग होते हैं इनमें, चलांग मतलब चलने के लिए अंग होते हैं। ठीक है, अधिकांशतः ये पारदर्शी होते हैं, उदाहरण के रूप में समुद्री अखरोट और कोम जेली। कोम है क्योंकि कंघे जैसा है, इसलिए कोम जेली बोलते हैं। अब फिर इसके बाद आ जाइए प्लेटी हेलमेंथीस, देह गुहा रहित स्तरीय शरीर होता है, चपटा होता है, इसलिए प्लेटी हेलमेंथीस में चपटे कृमि बोलते हैं इनको। ठीक है, क्या बोलते हैं, चपटे कृमि। उभयलिंगी होते हैं, अविकसित पाचन तंत्र होता है, उदाहरण के लिए लिवर फ्लूक और प्लेनेरिया इसमें दिया हुआ है, और इसमें टेप वर्म भी आता है, दिया नहीं है इसमें। एसके हेलमेंथीस लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं, स्पष्ट इनमें आहार नाल होती है, नर मादा बड़ी बड़ी उत्सर्जन प्रोटोन क्रिया, ये सब छोड़ दीजिए इसमें से कुछ नहीं है। मेन है इसमें एस्केरेस। ठीक है, एस्केरेस होता है जो मनुष्य की या पेट में जा कर के रहता है। ठीक है ना, उदाहरण याद कर लीजिएगा एसके हेलमेंथीस का, और कुछ नहीं करना। फिर एनिलिडा संघ देखते हैं, लंबा द्विपार्श्व। ठीक है, कैंचुआ, बस मेन चीज़ याद रखनी है, कैंचुआ जोंक नेरिस ये याद रखना है, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा ऐसा खास। सामान्यतः त्वचा से श्वसन पूछ लें तो पूछ सकते हैं सीधा कि त्वचा से श्वसन कौन लेता है, जो बता रहा हूँ बस उसी को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं संघ आर्थोपोडा। तो आर्थोपोडा संघ में देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कीड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं पूरी दुनिया में। तो आर्थोपोडा का मतलब कीड़ों से ही है, वैसे पोडा का मतलब पैर होता है, जोड़ी से होते हैं। ठीक है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी प्रकार की नाड़ियों से होकर के खून नहीं बहता है, पूरे शरीर में खून रहता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनका खून आपके जैसा लाल हो। ठीक है, संधियुक्त पाद होते हैं। अब देखिए झींगा मछली, ठीक है ध्यान रखिएगा झींगा मछली, तो ये भी आर्थोपोडा संघ में आते हैं, पूछ सकते हैं झींगा मछली फिश है कि नहीं है, मछली है कि नहीं है, तो जवाब होगा नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी मछली इसमें से मछली नहीं होती है। तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, फिर मोलास्का संघ। मोलास्का जिनके आसपास कैल्शियम का एक कवच पाया जाता है नॉर्मली, ठीक है ना, श्वसन हेतु गिल्स या टिनेडिया होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, कवचयुक्त शरीर होता है और रंगहीन खून होता है। सीप, घोंगा, ऑक्टोपस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है, मोलास्का संघ के जीवों को याद रखना है। संघ काइनोडर्मेंटा, तो कांटों वाली त्वचा होती है, पुनरुत्पाद की क्षमता होती है, मतलब अंग में पुनरुत्पादन हो जाता है। स्टार फिश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, वैसे बाकी हेगा फिश वगैरह दिया है, पूछ लेते हैं तारा मीन। ठीक है, तारा मछली, फिर यहाँ से ये जो क्वेश्चन आता है तारा मछली सा क्वेश्चन आता है, तो इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है, इतना याद रखना है बस। अब आ गया था कॉर्डेटा,
ठीक है ना। अब ये तंत्रिका रज्जु पाई जाती है मेन, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो तंत्रिका रज्जु होती है वो पाई जाती है। यहाँ से एक बिल्कुल अलग हिसाब किताब हो जाता है कशेरुकी जीव, ठीक है ना। कशेरुकी जीव फिर से पांच तरीके के होते हैं, ठीक है, जो इसमें दिए होंगे वो मैं आपको बताता आता हूँ। देखिए, सबसे पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो जीव है कॉर्डेटा संका या आपका कशेरुकी, उसका वो है मत्स्य यानी मीन यानी मछली, पाइसेस। तो शल्क युक्त तो त्वचा होती है, असमतापी होते हैं, ये सब याद करना है। असमतापी मतलब अगर टेम्परेचर जो बाहर का है उस टेम्परेचर के हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदलता है। तो अगर कोई ठंड में रहने वाली मछली है तो ठंड के ही रहने की आदी होगी, गर्मी पड़ेगी मरने लगेगी। मनुष्य जो होता है वो समतापी है, तो मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर समान रहता है, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो। द्विकक्षीय हृदय होता है, मतलब हृदय में दो ही कक्ष होते हैं, ठीक है ना। अब उदाहरण के रूप में रोहू मछली दिया है, ट्यूना मछली दिया है, तो मछली अगर आपसे पूछ लें तो आप समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि मछली से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं, ये तो मैं सिर्फ यही कवर करा रहा हूँ तो बात अलग है, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन मछलियों से पूछे जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं, ईल एक प्रकार का है, ईल एक मछली होती है, शल्क रहित चिकनी होती है, फिर इसके बाद लैम्प्रे और है मछली। अब आइए, इधर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, हाँ इधर नहीं जाना है, इधर आना है। इन्होंने तो अपने हिसाब से गोल चक्कर फक्कर जाने क्या क्या बना दिए हैं, इधर नहीं आना है, यहाँ आना है। मीन के बाद जो है क्रम आता है वो आता है, हाँ इस क्रम को भी आपको समझना है। ये तो पानी वाले थे, अब क्रम आएगा यहाँ पर। ऐसे बनाना भी नहीं चाहिए था इनको, इस तरह से क्रम बना था लीनियर, एक किस तरह से आगे को बढ़ते गए तब वो ठीक से याद रहता है। एम्फीबिया, बट डिज़ाइन बनाने से थोड़ी होता है कॉपी किताब में, प्रॉपर दिमाग में इमेज भी तो बनना चाहिए, कन्फ्यूज़ ज़्यादा करेगी पढ़ने वाले को। जल स्थलचर नहीं कहते, उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन यानी ये जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। और यही चीज़ हुई होगी कि जब जल का प्राणी धीरे धीरे थल में आना शुरू हुआ होगा तो यहीं से शुरू है, ठीक है। मेंढक इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है, एम्फीबियंस का, ठीक है ना। इसमें श्लेष्म ग्रंथियों युक्त तो त्वचा होती है ताकि पानी में रह सके। त्रिकक्षीय हृदय होता है, फेफड़े भी होते हैं, शुरुआत में कायांतरण करते हैं मछली जैसे होते हैं, शुरुआत में गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स मतलब जो पानी में रह करके मछलियाँ गिल्स से सांस लेती हैं, पूछा जाता है गिल्स, ये देखो तुम तो जो हम पढ़ा रहे हैं, गिल्स यानी कि गलफड़े। अब गलफड़े क्या करते हैं, क्या चीज़ है गलफड़े, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है वो गिल्स से ली जाती है। फेफड़े यानी लंग्स जो होते हैं वो हवा में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी वायु में रहने वाले प्राणी होंगे उनमें लंग्स पाए जाएंगे, और जितने भी उसमें रहने वाले प्राणी हैं उनमें गिल्स पाए जाएंगे पानी में, ठीक है। शुरुआत में होते हैं, बाद में फिर विकसित होकर के इनमें भी लंग्स हो जाते हैं, लेकिन पानी में लोग त्वचा से सांस भी ले लेते हैं। अब इसके बाद जो है विकास हुआ सरीसृपों का, असमतापी, वो सभी असमतापी होते हैं। शल्कयुक्त तो त्रिकक्षीय हृदय होता है, ये सब छोड़ो, ठीक है। अंडा देते हैं, ध्यान रखना, ये सब मेंढक भी अंडा देता है, मछली भी अंडा देती है, ठीक है। कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। इसके बाद सरीसर्पों से जो विकास हुआ है वही विकास है, ये डायनासोर ही हैं, सरीसर्प सारे डायनासोर हैं पक्षियों का। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे ये पता लगता है। तो सरीसर्पों और इनके बीच की एक हमको कड़ी मिलती है और वो है आर्कियोपटेरिक्स, ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं। आर्कियो जो काम की चीज़ है वो तो है नहीं इसमें, आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स एक जीव है जिसमें जो सरीसर्प और पक्षियों के बीच की कड़ी है, और ये बताता है कि सरीसर्पों से ही पक्षियों का विकास हुआ है क्योंकि उसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पक्षी समतापी भी होते हैं और चार कक्षीय हृदय वाले परों से ढके होते हैं, ठीक है। सभी पक्षी आपको पता है तो कोई खास बात नहीं है।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्तनपाई। अब स्तनपाइयों में भाई ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है स्तन ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं स्तन ग्रंथियाँ, इसलिए स्तनपाई कहते हैं। ठीक है, शिशुओं को जन्म देते हैं ये सब, इससे पहले के जितने थे अंडे देते हैं। ये दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण के रूप में चमगादड़ भी है, वेल भी है, ध्यान रखिएगा। वेल नहीं दिया इन्होंने, वेल देखने में मछली लगती है लेकिन वो मछली नहीं है। तो मनुष्य चूहा ये सब तो हैं ही हैं। अब देखो मछलियों के नाम से समानता रखने वाले इन्होंने एक जगह दे दी है, ये अच्छा काम करा है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारा कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप देख लीजिए बढ़िया मैटर, जहाँ पर तारीफ़ की जानी चाहिए बढ़िया मैटर इस तरह का बना दिया है एक जगह पर, आप देख लीजिए। पढ़ भी चुके हैं और मैं बार बार आपका उस तरफ ध्यान भी देगा। जेली फिश, तो जेली फिश फिश नहीं है भाई, ठीक है ना, लगती हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, इसके बाद स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा, सिल्वर फिश आर्थोपोडा, कटल फिश मोलस्का संघ की होती है, हेग फिश अभी पढ़ के आए थे हम लोग साइक्लोस्टोमेटा से आती है, डेविल फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविल फिश ऑक्टोपस को बोलते हैं मोलस्का, क्रे फिश आर्थोपोडा से संबंधित है, इसके बाद रेजर फिश मोलस्का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पीसीएस में बहुत पूछते हैं। फिर इसके बाद देखिए आप फ्लाइंग फिश, पाइप फिश, विभिन्न नामों से वास्तविक मछलियां हैं, विभिन्न नामों से हैं लेकिन ये हैं मछलियां। समुद्री घोड़ा आप कहते घोड़ा हैं, डॉग फिश, कैट फिश, ग्लोब फिश और गोल्ड फिश, पैडल फिश। चलिए अब कुछ परीक्षा दृष्टि देख ली जाए। परीक्षा दृष्टि में देखिए चार कक्षीय हृदय वाला सरीसृप कौन है, मगरमच्छ, ध्यान रखिएगा। अंडे देने वाले स्तनपाई जीव हैं, ये स्तनपाई नहीं होते एक्चुअली, ये स्तनधारियों के बीच की कड़ी हैं, एकेडिना बतख चोंच और डकबिल प्लेटिपस। ठीक है, ये एक्चुअली बीच की कड़ी होते हैं, ये सरीसृपों के और स्तनपाइयों के बीच की कड़ी हैं ये दोनों, क्योंकि इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये उस विकास क्रम को ही दिखाते हैं जिसको हम पढ़ रहे थे ना विकासवाद में, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं लेकिन ये लोग अंडे देते हैं। भारत की विशालतम मृग प्रजाति है नीलगाय। उड़ने वाला स्तनपाई है चमगादड़। छह टांगों वाले जीव कहलाते हैं कीट वर्ग में। सफ़ेद रक्त वाला जीव होता है तिलचिट्टा। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला है कंगारू चूहा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। कुनैन प्राप्त होती है सिंकोना पेड़ की छाल से। मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकल यानी गेहूं और राई। अफीम पोस्ता पौधे से कौन सा भाग होता है, अधपका फल। अफीम के पौधे का उत्पाद है तो ये नॉस्कोपिन, मॉर्फिन, हीरोइन, ये दर्द निवारक बनाए जाते हैं इस तरीके के इसमें। चलिए फिर कुछ इसमें आ जाते हैं भाई। ब्लू वेल पृथ्वी का सबसे विशालतम स्तनपाई। स्पर्म वेल विशालतम दांत वाली वेल। फिर इसके बाद समुद्री गाय बहुत पूछी जाती है भाई, स्तनपाई होती है समुद्री गाय, आईएएस में भी पूछा गया है समुद्री गाय, सी काओ, डॉल्फिन, वलरस, समुद्री शेर पूछा गया, आईएएस में ही पूछा गया है समुद्री सिंह और सील। ठीक है, इसके बाद फिर आपका इधर देख लो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, उड़ना सकने वाला पक्षी कीवी और एमू और ऑस्ट्रिच भी होता है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है पेरीग्रीन फॉल्कन। पक्षियों का वाक यंत्र होता है शब्दनिया सिरिंग्स। सबसे प्राचीन पक्षी है आर्कियोपटेरिक्स, ये अब जीवाश्म के रूप में मिलता है। ठीक है, अभी चर्चा ऊपर मैं कर चुका हूँ आपसे। ठीक है, अब देखिए स्तनधारी में मैं मिलिया इन्होंने बता रखा है इसको,
यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया वो फिर इनको अकल आ गई है। यहाँ प्रोटोथीरिया है, अंडा देने वाले स्तनधारी, ठीक है। यूथीरिया है, पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने वाले। मेटाथीरिया है, ये तीन प्रकार के होते हैं, ये अर्धविकसित उसको देते हैं। कंगारू मार्सुपियल थैली होती है इनके अंदर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मेटाथीरिया इम्पॉर्टेंट है ये। कुछ लोगों के जीव वैज्ञानिक नाम जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो मनुष्य का होमो सेपियंस सेपियंस दो लिखा है, होमो सेपियंस सेपियंस। गाय बोस्टोरस, बिल्ली फेलिस्केटस, कुत्ता कैनिस लुपस फैमिलियरिस, घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, शेर पैंथरा लियो, आम मैगीफोरा इंडिका, धान ओराइजा सटाइवा, गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम, चना साइसर एरिटिनम, मटर पाइसम सटाइवम। जीवों के नामकरण करने की द्विनाम पद्धति, जनक थे कैरोलस नीनियस और लैटिन भाषा के दो शब्दों से बनकर के बना है। वंश का नाम लेते हैं और जाति का नाम, ये पूछ सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। ये एक्स वाई की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, दो चीज़ों का नाम रखते हैं, वंश और जाति। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं टैक्सोनॉमी में, तो अभी आपने पढ़ा ना किंगडम, इम्पॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ। किंगडम में एक इम्पॉर्टेंट इकाई होती है, फिर किंगडम के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फाइलम, फाइलम के बाद आपका आता है क्लास, ठीक है ना, फिर क्लास के बाद बीच में जो होते हैं उसके बाद आप ध्यान रखिएगा जेनस, और जेनस के बाद स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ के बारे में एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप ध्यान कहेंगे जाति, स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ होती क्या है, स्पीशीज़ वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकती हैं, यानी बच्चा पैदा कर सकती हैं, ठीक है। हो सकता है वंश एक हो लेकिन जाति एक ना हो, तो इंटरब्रीडिंग नहीं होगी। चलिए कोशिका पर आ जाते हैं, तो परिभाषा है, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ध्यान रखिएगा। पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, कोशिका शब्द का यहीं पर उल्लेख है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक है श्लाइडेन एवं स्वान, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कोशिका दो प्रकार की होती हैं भाई, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब पुराना, ठीक है, ध्यान से बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पुराना, और यूकैरियोटिक माने न्यू, नया, मतलब जो कोशिकाएं बाद में बनी वो ज़्यादा अच्छी होंगी। जैसे किसी का पुराना मकान था तो वो थोड़ा सा कम अच्छा था, लेकिन नया मकान बना तो आपने हर रूम में लेटरिन बाथरूम अटैच कर दिया, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो इसी तरह से जो कोशिकाएं बनी उनमें क्या अंतर था, पुरानी कोशिकाओं में जो अंग होते थे कोशिका के, वो स्पष्ट रूप से नहीं होते थे अलग अलग, जबकि इसमें जो कोशिका के अंग हैं वो स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। यही चीज़ें हम आपसे देखेंगे। देखिए केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त, तो कोशिकांग अनुपस्थित, ठीक है ना। कलाई कला माने झिल्ली नहीं है, तो आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे ना। आनुवांशिक पदार्थ अनुपस्थित, राइबोसोम की उपस्थिति, उदाहरण है जीवाणु और नीलहरित शैवाल, अभी हम पढ़ के भी आए थे ऊपर। यूकैरियोटिक में देखिए पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग जिनमें झिल्ली हो, हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति, ये सब नहीं है, पेड़ पौधे और जंतु इतना ध्यान रखना है। अब देखिए कोशिका के भाग, सबसे पहले कोशिका भित्ति, यानी कोशिका के चारों ओर देखिए, कोशिका भित्ति पाई जाती है प्लांट्स में, सेल वॉल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सेल वॉल, सेल वॉल होती है, और ये पाई जाती है आपके प्लांट सेल में, सेलुलोज की बनी होती है। देख लेते हैं भाई ये क्या कह रहे हैं, तो सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान सेलुलोज से निर्मित होती है और कोशिका का बाहरी आवरण होता है। इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम ऊर्जा ग्रह कहते हैं, एनर्जी पावर हाउस कोशिका का।
खोजकर्ता थे अल्टमैन, नामकरण किया बेंडा ने। श्वसन संबंधी क्रियाएं होती हैं, जीवाणु और नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होता है, ठीक है। अन्य नाम कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। क्रैब्स चक्र इसी में संपन्न होता है, वो जो आपको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा मिलती है वो इसी के कारण होती है। इसके बाद राइबोसोम, नामकरण रॉबर्ट द्वारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। फिर है अंतः प्रद्रव्यी जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इंग्लिश में। राइबोसोम इसी में चिपके होते हैं, लिपिड का संश्लेषण यहीं पर होता है। लिपिड माने जिससे फैट बना हुआ होता है। इसके बाद केंद्रक है, खोजकर्ता रॉबर बाउंड थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकेरेटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है, इसी में अनुवांशिक पदार्थ का स्रोत होता है। फिर लाइसोसोम है, इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। खोजकर्ता ठीक है, डी डूबे थे, गोल्जी काया का निर्माण होता है और स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होती है। लवक प्लास्टिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये गोल्जी काया कहाँ पहुँच गया यार इनका। ठीक है, मैं सब उल्टा सीधा कर रखा है, लवक दिया ही नहीं है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, ये यातायात का प्रबंधक कहलाता है, ध्यान रख लेना। लवक प्लास्टिड्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, तो हरित लवक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो हरी चीज़ें आपको दिखाई देती है उसमें होता है। फिर होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो तो क्रोम का मतलब होता है कलर, तो क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट जहाँ रंगीन चीज़ें दिखाई दें आपको, टमाटर वगैरह, उसमें लाल रंग का होता है, ठीक है। इसमें केवल हरित लवक दिया हुआ है, हाँ होता केवल पादपों में, ठीक है। और फिर ल्यूकोप्लास्ट होता है, यानी सफ़ेद रंग, ठीक है, वाइट, ठीक है। अब ये सब ठीक है, आप देख लेना, ये देख लो। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में। जीनोटाइप है, जीवों में आनुवंशिक संगठन। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते अपितु पर्यावरण के ताप पर आधार पर लिंग निर्धारण होता है सरीसृप। प्लाज्मा झिल्ली बनती है प्रोटीन और लिपिड से। लो दे दिया इन्हें, कहाँ कहाँ उठा करके क्या क्या देते हैं यार ये लोग भी, पता नहीं क्या है। यहाँ दिया है प्लास्टिड वहाँ का। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट सूर्य प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान होता है, रंगहीन होता है, संग्राहक ऊतकों में होता है, जड़ और भूमिगत तने में होती है, आलू है, मूली है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होता है, पुष्प में होता है, फल भित्ति में होता है, बीज आदि में होता है, ठीक है। जैसे टमाटर में मैंने आपको बताया था लाइकोपीन होता है, एक प्रकार का, ध्यान रखना, एंटीऑक्सीडेंट है लाइकोपीन, एंटीऑक्सीडेंट बहुत यूज़ किया जाता है आजकल लोगों को देने में, एंटीऑक्सीडेंट। गाजर में कैरोटीन होता है, चुकंदर में विटामिन होता है, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन से होता है, पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन होता है। इसके बाद हरित लवक हरा रंग होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है और पत्तियों में अवस्थित होता है। अब ये आ जाओ भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको बहुत ध्यान से देखना है। तो देख लो भाई, पादप के अलग अलग से अंक हैं, तो अदरक है, ये प्रकंद होता है, ये पूछ लेते हैं कौन सा भाग होता है। आलू जो है स्तंभ कंद है, रूपांतरित तना होता है, ठीक है, आलू। लहसुन है शल्क कंद होता है। फिर सूरन जिमी कंद घन कंद होता है। गन्ना है, ये भी रूपांतरित तना होता है। फिर शलजम है, ये रूपांतरित जड़ है। गाजर है, ये भी रूपांतरित जड़ है। शकरकंद भी रूपांतरित जड़ है,
लौंग है ये पुष्प की कलिका होती है, ध्यान रखना। या आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, केसर वाला भी पूछा जा सकता है, पुष्पवर्तिका, हल्दी प्रकंद होता है, परीक्षा दृष्टि अब आ जाती है। नाभिक केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले लक्षण हैं फिनोटाइप, जो सामने से देखें, और जो जीन में देखें वो जीनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, ऊपर समझा चुका था मैं क्या होता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण होता है एपोप्टोसिस। आपके बाद देखते हैं आनुवंशिकता। सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। परिभाषा में ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिक लक्षण सजीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित लक्षण होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग आनुवंशिकता। इसके अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। पिता इसके थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने मटर, उद्यान मटर या गार्डन पी पर अपना प्रैक्टिकल किया था। तो मेंडल के तीन नियम हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके हिसाब से ये कहा जाता है कि दो प्रकार के लक्षण होते हैं किसी भी, जो है एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। तो जब दो लोगों के बीच में संकरण होता है जीवों के बीच में, या मटर का उदाहरण इन्होंने लिया था, तो लंबा प्रभावी लक्षण था, तो पहली पीढ़ी में लंबा ही आएगा, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे अनुपातों में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रभावित आ गया। स्वतंत्र अभ्युन का नियम, अपृथक्करण का नियम। स्वतंत्र अभ्युन का नियम, अपृथक्करण का नियम, यानी शुद्ध युग्मक अपने अपने रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिस रूप में ऊपर से आए थे एक स्थिति के बाद में। ठीक है, तीसरी पीढ़ी भी अलग अलग क्रम में होता है। इसमें अगर होगा तो मैं समझा दूंगा, हालांकि इतना पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अगर होगा तो मैं बता दूंगा आपको। इतना पूछा जाता है, दिया कि अनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम। तो देख लीजिए, प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है सभी में। ठीक है ना, इसकी खोजकर्ता कौन थे? कॉल विलहेलम थे, वॉन नागिली। और न्यूक्लियो प्रोटीन इनमें होता है, जीन धारक होते हैं। ठीक है, नामकरण किया था वॉल्डेयर ने। अब आनुवंशिकता की इकाई है, आनुवंशिक लक्षण धारण करने वाले क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए जो है अति सूक्ष्म। अब ये क्वेश्चन पूछा था डीएनए कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पर। ठीक है, जो बातें हैं वो सुनते जाओ। तो जीनों के अनुक्रम, जीनोम अनुक्रम आधार में परिवर्तन, ये सब जो इसमें दिया हुआ है, इतना सब नहीं पूछा जाता है, इसको आप छोड़ देंगे, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है इसमें। और ये पता नहीं कहाँ से बिना क्रम के इन्होंने सब दे दिया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल आगे और इसमें आगे कराएंगे आपको, तो आगे इसमें और समझाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। हालांकि इतना क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, लेकिन ये सब जो दिया हुआ है, लेकिन जो मेन मेन बातें हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा अगले साइंस के लेक्चर में। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।